गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट चल रही थी, उसका सेकंड पार्ट था अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस वाले में हमने ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल की आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से चेंज होगी, वर्ग में किस प्रकार से होगी, और एक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले तत्वों में किस प्रकार से चेंज होगी, इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में अपना उसी के अंदर ट्रेंड्स वाले के अंदर नेक्स्ट या फिर आप देखो नया चीज एक इसमें आती है वांडरवाल्स त्रिज्या। कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर में क्वेश्चन कि वांडरवाल्स त्रिज्या किसे कहते हैं। तो इसमें आता है कि जो अपनी आवर्त सारणी का पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर वर्ग आते हैं आपके 13 से लेकर के 18 तक, 6 वर्ग आते हैं। तो जो 18वां वर्ग होता है अपना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट या फिर उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस वर्ग होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस वर्ग। क्योंकि 18वें वर्ग के अंदर जितनी भी गैसें प्रेजेंट होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अक्रिय होती हैं। कारण ये होता है कि पी ब्लॉक का जो 18वां वर्ग है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा NH2NP6, और पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पी ब्लॉक का जो 18वां वर्ग है उसमें सभी तत्व या जितनी भी गैसें प्रेजेंट हैं उन सभी का बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है। पूर्ण रूप से भरा हुआ है इसका मतलब ये किसी अन्य तत्व या परमाणु के साथ कोई क्रिया नहीं करती, इस कारण से इन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता है या अक्रिय तत्व भी बोल देते हैं। तो इसमें आता है 18वें वर्ग की जो गैसें हैं उनकी जो त्रिज्या होगी उन्हें हम वांडरवाल्स त्रिज्या कहेंगे, और ये बाह्यतम कोश जब पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा यहाँ पे तो किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगी, अक्रिय करेंगी। तो ये जो पी ब्लॉक का जो 18वां वर्ग है उसकी जो अक्रिय गैसें हैं उन गैसों की त्रिज्या को ही हम क्या बोलते हैं, उनकी त्रिज्या को ही हम वांडरवाल्स त्रिज्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो देखो आप, जैसे 18वें वर्ग के तत्व हमने कोई भी एक गैस ले ली, हमने हीलियम गैस ले ली, फर्स्ट एलिमेंट ले जाए, तो हीलियम है वो ना तो दूसरे हीलियम के साथ क्रिया करती है और ना ही किसी अदर एलिमेंट्स के साथ में क्रिया करेगी। तो ये गैस के रूप में है और गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। हमने मान लिया कोई भी दो हीलियम के अणु, एक ये है हीलियम का अणु गैस का और ये दूसरा हीलियम का अणु है। अब गैस है तो जाहिर सी बात है अणु दूर दूर होंगे। उसके बाद में आता है कि अणु दूर दूर है ना, तो इनके तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने, तो अकेला तो है इसकी त्रिज्या तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। परमाणु त्रिज्या तो हम किससे ज्ञात कर रहे थे, कोई दो परमाणु पकड़ रहे थे उनका क्रिस्टल बनाया, उनकी अंतर्नाभि की दूरी ज्ञात की, अंतर्नाभि दूरी का आधा कर दिया, बन गया आपकी त्रिज्या। वैसे ही 18वें वर्ग की जो गैसें हैं उनकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो ये हीलियम का नाभिक है, ये हीलियम का दूसरा परमाणु है, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को अंतर्नाभि की दूरी बोलेंगे, टच नहीं है, दूर दूर है। तो अब ये भी अंतर्नाभि की दूरी कहलाएगी, ठीक है। एक अंतर्नाभि की दूरी का आधा मान है वो क्या होगा, हीलियम की त्रिज्या होगी। आप बोलोगे हीलियम तो यहीं तक है, लेकिन यहीं तक नहीं मानते हमें, इसको यहाँ तक मानेंगे, इतना मानेंगे, आगे समझ में। तो अब ये देखो इसके अंदर गैस के दो परमाणु के बीच में वांडरवाल्स बल, गैस के दो परमाणु आपस में एक दूसरे से कौन से बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वांडरवाल्स बल जो कि दुर्बल प्रकृति का होता है। इस बल के द्वारा गैस के दो अणु हैं वो आपस में, गैस के दो परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी गैस के दो परमाणु के बीच में दुर्बल प्रकृति का वांडरवाल्स बल होता है। इसी कारण से इस त्रिज्या को, यानी अक्रिय गैसों की जो त्रिज्या होती है उसको हम वांडरवाल्स त्रिज्या कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि अक्रिय गैसों की त्रिज्या को हम वांडरवाल्स त्रिज्या कहते हैं। कारण अक्रिय गैस के दो परमाणु के बीच या अक्रिय गैस के दो परमाणु आपस में दुर्बल प्रकृति के वांडरवाल्स बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इस कारण से अक्रिय गैसों की त्रिज्या को वांडरवाल्स त्रिज्या कहेंगे। ज्ञात किस प्रकार से की जाती है, अक्रिय गैस से कोई भी दो परमाणु लेंगे, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी अंतर्नाभि की दूरी और उसका आधा कर देंगे, वही अक्रिय गैस से क्या कहलाएगी, वांडरवाल्स त्रिज्या वो कहलाएगी। तो ये रहेगा इसके अंदर।
कि अकिरिय गैसों की त्रिज्या को वान डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। जाहिर सी बात है ये बड़ी होगी, नॉर्मल त्रिज्या से वान डर वाल्स त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बड़ी रहेगी। एक नंबर पूछ जाता है इसमें कि वान डर वाल्स त्रिज्या है वो क्या होगी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टडी में क्या आप रेडियस वाला चल रहा है, उसमें लिखे हैं आप आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। नेक्स्ट लिखेंगे आप इसके अंदर आयनिक रेडियस या आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि आयनिक रेडियस या आयनिक त्रिज्या वो होती क्या है। तो परमाणु की त्रिज्या को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, वैसे ही आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या बोलेंगे। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, किसी आयन की त्रिज्या को, यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन में किसी आयन। तो परमाणु में हम क्या बोले थे कि परमाणु के नाभिक और बाह्यतंतु उसके इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या होती है। उसी प्रकार से मान लीजिए ये एक आयन है, तो इस आयन के नाभिक और आयन के बाह्यतंतु कोश के बीच की दूरी भी क्या रहेगी, आयनिक त्रिज्या रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा जाएगा किसी आयन के नाभिक तथा उसके बाह्यतंतु कोश के बीच की दूरी को उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखी जाएगी इसकी, किसी आयन के नाभिक तथा उस आयन के बाह्यतंतु कोश के बीच की दूरी को उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद लिखा जाएगा कि आयंस जो होते हैं, आयंस वो दो प्रकार के होते हैं, आयंस आयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे, इसमें आता है एक नंबर पर रहेगा केटायन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धनायन, और सेकंड रहेगा आपके एनायन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ऋणायन। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा इसकी डेफिनेशन के बाद में कि आयंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट केटायंस जिसको हिंदी में बोलेंगे धनायन, और सेकंड रहेगा एनायन जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणायन। धनायन वाले होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऋणायन वाले पे नेगेटिव चार्ज है। तो आयनिक त्रिज्या भी दो प्रकार की होगी, जब आयन दो प्रकार के हैं तो आयनिक त्रिज्या भी दो ही प्रकार की होगी, धनायन की त्रिज्या धनायनिक त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या ऋणायनिक त्रिज्या कहलाएगी। इतना लिखने के बाद हम पहले ये पढ़ेंगे केटायन क्या होता है, उसके बाद केटायन की रेडियस है वो क्या होती है, केटायन की रेडियस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या रहेगा। इतना लिखें कि आयंस दो प्रकार के होते हैं, केटायंस सेकंड एनायंस। उसके बाद वापस हेडिंग लिखें एक नंबर डाल के केटायंस यानी धनायन, ये हेडिंग वापस लिखें। ठीक है, केटायंस या धनायन है ये हेडिंग वापस लिखें केटायन वाली। सबसे पहले ये देखें कि केटायन क्या होते हैं। ठीक है, एक नंबर पे लिखेंगे आप केटायंस, हिंदी में बोलेंगे धनायन। क्या होती है धनायन, तो इसमें आता है कि जब कोई भी परमाणु है, ए परमाणु है, ए परमाणु ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश आएगा, प्लस में ये हो गया त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन। जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बनने वाली जो धनावेश युक्त जो स्पीसीज बनती है वो क्या कहलाती है, केटायन कहलाती है। ये तो क्या है, एटम। जब कोई भी परमाणु ए एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया है आएगा। एक इलेक्ट्रॉन त्याग गया तो एक आ गया प्लस वन, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस टू। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना उतना ही चार्ज है वो इस केटायन के ऊपर आएगा। तो किसी परमाणु के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनने वाली धनावेशित स्पीसीज को, पॉजिटिव चार्ज को धनावेश बोलते हैं, तो बनने वाली धनावेशित स्पीसीज को केटायंस या धनायन कहा जाता है। ये रहेगी डेफिनेशन किसकी, केटायन की। किसी परमाणु के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देने पर बनने वाली धनावेशित स्पीसीज है वो केटायंस कहलाती है। ये डेफिनेशन आएगी, ये लिख लेना आप रिएक्शन एक। उसके बाद में आता है कि धनायन की त्रिज्या क्या होगी। तो धनायन की त्रिज्या क्या कैसे बोलेंगे कि एक केटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
इसके टाइम के धनायन के नाभिक और धनायन के बाह्यतम को उसके बीच की दूरी को धनायन की त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। आयन की त्रिज्या बोलेंगे तो ये बोल देंगे कि आयन के नाभिक और आयन के बाह्यतम को धनायन की पूछी जाएगी तो क्या बोलेंगे, धनायन के नाभिक और धनायन के बाह्यतम को उसके बीच की दूरी धनायन की क्या हो गई, त्रिज्या हो जाएगी। तो आप ये लिख लिया, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये लिख लिया कि परमाणु के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनने वाले धनावेशित स्पीशीज को हम धनायन बोलेंगे। अब क्वेश्चन इसका ये आता है धनायन के लिए कि अब ये धनायन बन गया ना, कैटायन बन गया, और ये इसका क्या है, एकता बन गया। तो देखें आप इसके अंदर क्वेश्चन ये आएगा, धनायन ये है, ये इससे मिलके इससे बना है ना धनायन, ये इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तब ये धनायन बना है, तो ये इसका क्या रहेगा, पेरेंट एटम, या हिंदी में बोलते हैं इसको हम जनक परमाणु, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि किसी धनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से हमेशा छोटी होती है क्यों, क्वेश्चन है लगभग आता है क्वेश्चन कि किसी केटायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से, जनक परमाणु का मतलब है जिससे वो, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने पर वो बना है, ये पॉजिटिव इससे बना है, तो इस केटायन के लिए ये क्या हो गया, जनक परमाणु हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेरेंट एटम। तो क्वेश्चन आता है किसी धनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से हमेशा, हमेशा क्या रहेगी, छोटी होती है क्यों, ये क्वेश्चन आता है आपको, तो इसको आप एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। क्वेश्चन रहेगा किसी धनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से हमेशा छोटी होती है क्यों, आंसर देखें अब इस क्वेश्चन का, आंसर लगा के देखें क्या रहेगा, क्वेश्चन लिख लिया होगा कि धनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से हमेशा छोटी होती है क्यों, क्वेश्चन देखें आंसर देखें इसका, आंसर में हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका वैलेंस, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मान लीजिए सोडियम ने अपने बाह्यतम कोष में जो 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग दिया, तो ये 3s1 लिखेंगे नहीं, केवल ये अंतर लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो सोडियम पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस में ये एक इलेक्ट्रॉन, अब ये Na पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6, 3s1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3s1 वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो सोडियम में त्याग दिया यहाँ पे, तो जो सोडियम की ओर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम का धनायन बना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहीं तक रहेगा, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सोडियम के अंदर प्रोटोनों की संख्या देखो कितनी है, प्रोटोन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो सोडियम का जो धनायन बना है उसमें प्रोटोन कितने रहेंगे, 11, क्योंकि जब किसी भी परमाणु से एक धनायन बनता है, यानी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो केवल इलेक्ट्रॉन त्यागता है, प्रोटोन नहीं त्यागता, प्रोटोन तो यहाँ पे भी 11 ही रहेंगे इसके अंदर, प्रोटोन तो यहाँ पे भी 11 ही रहेंगे क्योंकि इसने प्रोटोन नहीं त्यागे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि एक तो बाहर निकल गया ना 3s1 वाला, 2 2 4 6 10, इस प्रकार से हो गया। अब प्रोटोनों के कारण से क्या लगता है, जेड इफेक्टिव लगता है, प्रभावी नाभिक आवेश, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, प्रभावी नाभिक आवेश, जेड इफेक्टिव कहलाएगी, जितने ज्यादा प्रोटोन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रभावी नाभिक आवेश होगा। अब इसके अंदर भी 11 प्रोटोन है तो उतना ही प्रभावी नाभिक आवेश है, सोडियम का धनायन है उसमें भी 11 प्रोटोन है उसमें भी उतना ही प्रभावी नाभिक आवेश है, लेकिन सोडियम के अंदर तो 11 प्रोटोन है, वो 11 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन सोडियम का जो धनायन बना है उसके अंदर 11 प्रोटोन 10 ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मान लीजिए एक तो है कि 4 आदमी है, ठीक है, 4 आदमी है वो किसी चीज को खींच रहे हैं, मतलब 4 आदमी है वो, मान लीजिए 100 केजी का कुछ है, उसको सामान है कोई भी वस्तु माने उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, 4 आदमी खींच रहे हैं, एक 4 ही आदमी है लेकिन वो 90 केजी का कोई सामान है उसको खींच रहे हैं, तो कौन से को वो आसानी से खींच पाएंगे, कौन से के ऊपर वो ज्यादा
आसानी से खींच पाएंगे, इसके ऊपर लगेगा ना, क्योंकि तो दोनों में जड़ इफेक्टिव, दोनों के अंदर इतने आदमी यहाँ पावर लगा रहे हैं, इतने यहाँ पावर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस पे पावर लग रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो पावर कम लग पाएगी, लेकिन यहाँ पे जिसके ऊपर पावर लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कम है, 90 है, तो इसके ऊपर चार आदमियों के द्वारा लगाई जाने वाली पावर क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो वही सेम इसके अंदर है, इसमें भी 11 ही प्रोटोन जड़ इफेक्टिव लगा रहे हैं, इसमें भी 11 ही लगा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों पे 11 11 को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसमें 10 को खींच रहे हैं, तो कौन से वाले को प्रबलता से खींचेंगे, इस वाले को। तो इसमें आएगा कि सोडियम का जो धनायन है उसमें जड़ इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी, और जड़ इफेक्टिव विद परमाणुपाती किसके होता है, परमाणु त्रिज्या की, और परमाणु त्रिज्या कम होगी तो परमाणु का आकार भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देखो सोडियम वाले को बनाए, सोडियम का ये परमाणु हो गया, नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर ये इसका हो गया 1s, ये इसका हो गया 2s, ये इसका हो गया 2p और ये इसका हो गया 3s, 1s 2s 2p और 3s ये हो गए, ये इसका हो गया प्रोटोन न्यूट्रॉन वाला नाभिक। अब इसके अंदर देखो सोडियम के धनायन में क्या होगा, ये नाभिक है, ये हो गया इसका 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 3s, सॉरी 1s 2s वन ये 2p हो गया, 3s तो है ही नहीं, 3s नहीं है तो 3s को हम बनाएंगे भी नहीं। तो ये देखो अपने आप ही दिख रहा है कि जब सोडियम से सोडियम का धनायन बनेगा तो बाहर वाला एक कोष तो हट ही गया, जब ये कोष ही हट जाएगा तो बचेगा जो सोडियम का धनायन, उसका आकार तो अपने आप ही दिख रहा है कम हो रहा है। एक तो इस कारण से भी लिख सकते हैं कि सोडियम से जब सोडियम का धनायन बनेगा तो एक तो बाहर वाला मुख्य कोष हट जाने से सोडियम धनायन का आकार है वो सोडियम परमाणु से कम हो जाएगा। सेकंड कारण ये रहेगा कि सोडियम के धनायन, सोडियम परमाणु के अंदर 11 प्रोटोन है, वो 11 इलेक्ट्रॉनों के प्रभावी नाभिकीय आवेश लगा रहे हैं, जिससे यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश की प्रबलता कम हो जाएगी, जबकि सोडियम के धनायन में 11 प्रोटोन है वो 10 इलेक्ट्रॉनों पे प्रभावी नाभिकीय आवेश लगा रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे जड़ इफेक्टिव है उसकी प्रबलता है वो बढ़ जाएगी। जब प्रबलता बढ़ जाएगी यानी जड़ इफेक्टिव की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी तो परमाणु का आकार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन यही था। तो यहाँ पे सोडियम धनायन उसका आकार है वो सोडियम के परमाणु की तुलना में क्या हो रहा है, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी सेम यही था अपना, किसी भी धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से हमेशा छोटा होता है, तो धनायन है इसका आकार अपने जनक परमाणु सोडियम से क्या है, कम रहेगा। कारण ये दो रहेंगे, ठीक है, एक तो बाहर वाले कोष के हट जाने से बन जाएगा और सेकेंड आपके जड़ इफेक्टिव की स्ट्रेंथ के कारण से, ठीक है। तो बनाएं इसको, क्वेश्चन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखें सोडियम का, पहले ये लिखने हैं, इसके अंदर ये लिखने, सोडियम में ये प्रोटोन इलेक्ट्रॉन है, सोडियम धनायन में ये रहेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे हम इसके अंदर कि सोडियम की तुलना में सोडियम धनायन का आकार छोटा होता है, इसके निम्न दो कारण होते हैं। फर्स्ट कारण में हम ये लिखेंगे कि जब सोडियम से सोडियम का धनायन बनता है तो निकलने वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 3s कक्षक से निकलता है, इस कारण से सोडियम के धनायन में 3s कक्षक के खत्म हो जाने से या सोडियम से सोडियम का धनायन बनने में जो बाहर वाला 3s कक्षक है उसके हट जाने से सोडियम धनायन का आकार सोडियम परमाणु की तुलना में कम हो जाता है, ये लिखेंगे। उसके बाद आप सेकंड कारण में क्या लिखेंगे कि सोडियम परमाणु में 11 प्रोटोन हैं जो कि 11 इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगा रहे हैं, जबकि सोडियम के धनायन में 11 प्रोटोन हैं जो कि 10 इलेक्ट्रॉनों पर अपना प्रभावी नाभिकीय आवेश लगाते हैं, इस कारण से सोडियम तथा सोडियम धनायन में से सोडियम धनायन में जड़ इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश की अक्षमता अधिक होने से सोडियम धनायन की परमाणु सोडियम धनायन की आयनिक त्रिज्या का मान कम हो जाता है, इस कारण से सोडियम धनायन का आकार अपने जनक परमाणु सोडियम से कम हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से हमेशा छोटा होता है, ये लिखा जाएगा इसके अंदर सोडियम वाला। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम इसमें सोडियम का एग्जाम्पल ही लें, कोई भी एग्जाम्पल है वो इसके अंदर ले सकते हैं।
लिखे आप इतना। उसके बाद में हम जो सेकंड आयन था अपना एनायन, इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि एनायन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और एनायन्स की त्रिज्या और जनक परमाणु की त्रिज्या में आपस में क्या रिलेशन होता है। उसमें भी इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो क्वेश्चन चेंज होगा। क्या होगा वो कि एनायन्स की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से हमेशा बड़ी होती है। इसमें छोटी होगी एनायन की, और उसमें एनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से हमेशा बड़ी रहेगी। ये क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।